हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है वर्चुअल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एक टॉपिक है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, उसके बारे में। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वर्चुअल विद्या जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको क्लास 10th का और 9th का जो मैथमेटिक्स है पूरा वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आज हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं, जो मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पहला टॉपिक है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। उसको क्या डेफिनेशन होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, दोस्तों हमें ये कहाँ काम आता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले तो हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसे हमें कोई भी एक सीरीज दे दी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा लिख के दे दिया है और हमें पूछा गया है कि ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की, क्या डेफिनेशन होती है। तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए डेफिनेशन दिया है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल, मींस ये हम इसको T1 बोल देंगे, पहला टर्म है ये, कोई भी हमारी सीरीज दी हुई है अपने पास, ये इसका T2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म T3 ऐसे करके, और ये TN या T जो भी है, मीन्स ये फिफ्थ टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, तो इसको TN T6 बोल देंगे, इसलिए इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बोल के। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना हमें, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना हमें, तो डी इक्वल टू क्या किसके लिखते हैं, T2 - T1। तो यहाँ पे निकालेंगे तो T3 - T2, तो ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ से T2 - T1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 - 2 दैट इज 2। ओके, यहाँ से निकालेंगे वापिस तो 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डिफरेंस है ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तभी हम किसी भी जो अपने पास सीरीज रहेगी उसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोल सकते हैं अपन। 8 - 6 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये ऐसे निकालेंगे तो ये टर्म हमारे पास हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आए हमारे पास उसका एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कोई जॉब ज्वाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपका ये टीचिंग का जॉब ज्वाइन किया, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, और मेरा जो भी है कोचिंग उससे डील हुआ है, जैसे मैंने उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको शुरू में 8000 रुपीज दूंगा और उसके बाद में आप एक महीना हो जाएगा तो आपका 500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, और फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपका 500 रुपये हर महीना बढ़ता जाएगा, ऐसा करके बोल दिया है। और फिर आपसे कोई जाने पूछे कि भाई एक साल बाद मेरा सैलरी इतना हो जाएगा, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, एक महीने बाद इतना हो जाएगा, दो महीने बाद इसको और ऐड करो, ऐसे करके 12 टाइम्स ऐड करो बार बार, और फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे सम आएगा वो सम निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो पी अगर हम पहचान जाते हैं, एक पैटर्न रहता है इसके अंदर, फिक्स पैटर्न, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि भाई जो डिफरेंस है दो सक्सेसिव टर्म्स के अंदर, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट रहेगा और वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला महीना मेरी 8000 है, तो सेकेंड मंथ कितनी हो जाएगी, 8500, थर्ड मंथ कितनी हो जाएगी, 9000। तो ये अपन को ऐड करके निकालना पड़ता है। अगर अपने पास एपी है तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ड्राइव होता है फॉर्मूला। तो कोई भी एपी है उसका हमें एन टर्म निकालना है, जैसे टी एन लिखा है एन टर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। ये एक बार आप याद कर लीजिएगा, इसको अपन आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, कल इसके ऊपर बहुत सारा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एन टर्म होता है, जो भी टर्म हमको निकालना है, जैसे सेकेंड टर्म निकालने की दे दिया तो इसको T2 लिख देंगे, तो सेकेंड टर्म निकालना है तो T2 हमको निकालना है। ये होता है जो भी सीरीज दिया उसका हमें पहला टर्म जो होता है 2, 4, 6, 8 लिखा, तो इसको ये होता है, ये पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट टर्म हो गया, एन होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और डी होता है डिफरेंस बिटवीन द टर्म। तो ये डिफरेंस अपन को निकालना पड़ेगा, जैसे वो यही सीरीज अपने पास इसको ले लेते हैं, 8000 हो गया, 8500 हो गया, और सेकेंड मंथ में मेरी सैलरी हो जाएगी 9000, फिर 9500 ऐसे करके इसने मेरे को पूछा है कि 12 मंथ बाद कितनी हो जाएगी, तो अपन को T12 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अपने पास एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा एक बार, इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे अपने को निकालना है
P12, तो ये सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है यहाँ पे, इसको अपन को याद रखना है। तो P12 निकालना है, तो P12 लिख दिया, A अपना पहला टर्म कौन सा है, 8000 लिख दिया, प्लस एंड कितना है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, तो ये इसके इसके बीच में 500 का डिफरेंस है, इसके इसके बीच में 500 का डिफरेंस है, तो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में निकालना, मतलब सेकेंड थर्ड के बीच में, थर्ड फोर्थ के अंदर, तो ये 500 हो जाएगा, तो ये मेरी सैलरी हो जाएगी 12 मंथ के बाद में, तो इसको निकालेंगे तो 8000 प्लस 11 इंटू 500 हो जाएगा, तो ये 5500 रुपये और हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 13500 रुपये हो जाएगा टोटल। तो ये अपन को सीधा पता लग गया है यहाँ से, अगर ऐसे अपन को निकालना होता, अपने पास एपी का नहीं पता रहता हमें एपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो अपन को ऐसे ही ऐड करना पड़ता, तो एपी अगर अपन को पता लग जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है ये काम करना। तो अभी हम सिंपल डिस्कस करेंगे आपका जो पहला यूनिट है उसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, इसको अपन इरेज कर लेते हैं। अभी देखिएगा, जैसे अपने को ये पूछ लेता है कोई भी एक सीरीज ले लेता है, जैसे दे दिया -4 -8 -12 -16 -20 -24, ये आपको सीरीज दे दिया और इसको चेक करने के लिए बोल दिया वेदर इट इज एन एपी और नोट, आपको चेक करके बोलना है इसको। तो आप कैसे चेक करेंगे, पहला टर्म आपने इसका देख लिया -4 है ये लिख लिया, और डिफरेंस आपको निकालना है, तो मैंने आपको बोला कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकाल देंगे, बी जो होता है तो -8 -4 करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा -4, तो इसका जो सालों अनुपात है वो -4 है और ए इसका 4 है, और हमें साथ चेक करना है तो सभी टर्म्स के बीच में देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए तो भी -4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए तो भी -4 हो रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा हर टर्म की दो टर्म्स के बीच में, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एपी अपन ने चेक कर ली, ठीक है। ऐसे ही अपने पास दूसरी कोई सीरीज दे दी, जैसे अपन को चेक करनी हो ये एपी है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये दे दिया 2 4 8 12 ऐसा लिख के दे दिया, तो अपन को चेक करना है ये एपी है कि नहीं, तो एपी का पहला टर्म ए अपन ने बात कर लिया, ये हो गया डी, ये चेक करना पड़ेगा पहले इक्वल है कि नहीं, तो 2 2 2 4 2 2 दो का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, ये यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, अगर यहाँ पे भी 4 रहता तो ये कॉन्स्टेंट हो जाता, तो ये एपी नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि हम कैसे चेक करें कि कोई भी सीरीज है वो एपी है कि नहीं है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है अपने को चेक करने के लिए, तो ये अपन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और क्या एप्लीकेशन है इसका, जैसे हमारे पास एक सीढ़ी है, इसमें ये बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और ये अपने को दे दिया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ठीक है, एक सीढ़ी, तो कोई एक आदमी है अपने पास, ये अपना आदमी है, तो इसको बोल दिया कि भाई सीढ़ी पे चढ़ना है, तो ये 50 सीढ़ी चढ़ जाएगा, एक सीढ़ी में 2 मीटर की दूरी तय कर, तो 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद ये कितनी हाइट पे पहुंच जाएगा, तो वो अपन को निकालना दे रहे। तो पहले मान लो ये 10 मीटर की हाइट पे खड़ा है, यहाँ से नीचे ग्राउंड है, तो ये 10 मीटर की हाइट पे खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर कितना पहुंच जाएगा हमें ये निकालना है, तो यहाँ से ए अपना हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि ए अपना शुरू वाला टर्म दे रखा है, फिर अगर पहला स्टेप रखेगा तो 10 + 2 = 12 हो जाएगा, दो स्टेप रखेगा तो 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ऐसे करके अपने को 50 निकालना है, मीन्स 50 सीढ़ी के बाद 50th स्टेप, ओके, इतना चढ़ने के बाद कितना वो हो जाएगा, तो ये अपने को चेक करना है। तो ये निकालने के लिए वही मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया कि एन निकालने का फॉर्मूला a + n - 1 × d, यही अपन को देखना है। डी निकालना है तो आपको बोल ही दिया, ए तो ये पहला टर्म होता है, डी जो है सक्सेसिव टर्म्स के अंदर, तो सबसे पहले हमें चेक करना रहता है कि ये एपी है कि नहीं, तो डिफरेंस जो हर टर्म के अंदर अपना देख सकते हैं, यहाँ से 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, 16 - 14 यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ये सब अपन चेक कर लेंगे। तो अपने को t50 निकालना है यहाँ पे, t50 इक्वल टू ए कितना अपना 10 + n - 1 दिया है, तो 49 मीन्स 50 - 1 कर देंगे यहाँ पे, तो 49 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया d अपना है 2, तो यहाँ से कितनी हाइट पहुँच जाएगा वो 49 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 49 × 2 कितना हो जाएगा 98, तो ये 108 मीटर हो गया हाइट इसका ग्राउंड से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसका
108 मीटर हाइट पे खड़ा है, ठीक है, ये वन इससे 50 से अपने को ये फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं एक तो, जैसे अपने को ये एरिया सीरीज माइनस वन प्लस वन थ्री फाइव सेवन नाइन, तो अपन को चेक करना है ये एपी है कि नहीं, वेदर दिस सीरीज इज एन एपी और नॉट, अपन को चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ए इसका है माइनस वन, ये लिख लेंगे, डी निकालना अपन को, तो डी इससे इसका डिफरेंस तो वन माइनस माइनस वन दैट इज टू, ठीक है, और इससे इसका भी चेक करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन, ये भी दो है, फिर डी दोबारा चेक करेंगे इससे इससे टी फोर, टी थ्री माइनस टी फोर करके टी फोर माइनस टी थ्री, तो ये भी अपना कितना हो जाएगा फाइव माइनस थ्री इक्वल टू, तो मीन्स बराबर आ रहा है, तो ये एपी है अपन को चेक हो गया इसका सारा, ठीक है, ये भी दो का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से अपन को चेक करने के लिए दे देता है कोई भी सीरीज दे देता है, जैसे अपन एक और सीरीज ले लेते हैं यहाँ पे, तो अपन ने ले लिया टू फोर एट टेन फोर्टीन, तो इसको चेक करना अपन को एपी है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ गए तो डिफरेंस कितना आ रहा है दो का, यहाँ से यहाँ गए फोर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से फिर टू का, तो यहाँ से यहाँ गए तो फोर का, तो कॉन्स्टेंट नहीं है ये, हर जगह पे बराबर आना चाहिए एकदम, ठीक है दोस्तों। और एपी की और एक क्या खासियत होती है वो अपन और बात करते हैं, एपी की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपन ने ये लिख दिया टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, तो इसके इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं, इसके इसके बीच में डिफरेंस जो होता है उसको भी डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं, लेकिन इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा टू डी हो जाएगा, डी प्लस डी टू डी हो जाएगा ना ये, और इसके बीच का डिफरेंस आएगा तो ये थ्री डी हो जाएगा, देखिए डी 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 ये तीनों ऐड हो जाएगा, एट माइनस टू सिक्स, छः का डिफरेंस आएगा वो डी, अपना यहाँ पे टू आएगा तो यहाँ पे थ्री इंटू टू ये सिक्स का डिफरेंस हो जाएगा, ये फोर का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी होती है एपी की, ये अपने पास एक सीरीज रहती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन को चेक करना रहता है, अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एपी अपन को देती है उसको चेक करना है, कोई भी एक सीरीज देती है इसमें एक फिक्स पैटर्न रहता है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया शुरू में कि भाई इसका सक्सेसिव और टर्म्स का डिफरेंस रहता है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसका टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू बराबर टी फोर माइनस टी थ्री, ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट रहेगा, कुछ भी ये आ सकता है फोर थ्री टू वन, जो भी इसका वैल्यू आएगा ये अपन को याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की, जैसे अपन P3 माइनस P1 करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2D, जैसा आपको बताया मैंने ये 2D इक्वल टू 4 है, ऐसा ही अगर T2 माइनस T4 करेंगे तो वो भी 2D के इक्वल ही रहेगा, तो वही है, ये अपन को प्रॉपर्टीज याद रखनी है। फिर मैंने आपको बोला था जैसे अपन को एक सीरीज दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे करके n टर्म्स दे दिया है, अप टू n टर्म्स, तो अभी हमें सीधा निकालना है डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ देखिए T3 माइनस T1 में कितना डिफरेंस आ रहा है 2D का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे ही अपन को अगर T1 माइनस Tn माइनस T1 करना होगा तो ये कितना का डिफरेंस आएगा, ये आएगा n माइनस 1 टाइम्स D डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये कैसे आया देखिए Tn मीन्स यहाँ पे T3 रख दिया, जैसे ये वाला चेक करने से T3 माइनस T1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n कितना है 3 है ना यहाँ पे 3 माइनस 1 D, तो ये अपने पास आ गया 2D, तो ये अपने T3 माइनस T1 अपने पास था 2D, तो ये अपने लिखा हुआ यहाँ पे 2D डिफरेंस आया, तो इससे अपन को इसी से अपने वो फॉर्मूला आया था Tn वाला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसको याद रखना अपन को, तो जैसे अपन को यही है ये टर्म है वाला T4 निकालना अपन को, तो A कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 एंड D कितना अपने पास इसके लिए 2 है, तो ये अपने पास कौन सा
थ्री इंटू टू सिक्स प्लस एट एट आ जाएगा, तो उनके पास फोर्थ टर्म एट आ रहा है, वन टू थ्री फोर्थ ये एट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला इस प्रकार से अपन काम करेंगे। तो इसके ऊपर कल हम और प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स इसका सम निकालना भी आता है, एंड टर्म्स का सम निकालना, वो सब और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स आज आपको बता दिए कहाँ पे भी काम आता है, इसके अंदर एक फिक्स पैटर्न रहता है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना रहता है। तो कल इसके ऊपर हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें इसको, और मिलते हैं दोस्तों फिर कल के वीडियो में। थैंक यू।